तो कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें कि मैंने आपको 2 मंथ स्ट्रैटेजी बताई थी आपको एयरफोर्स एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, जिनका एग्ज़ाम 18 अप्रैल से आप लोगों का चालू है, क्योंकि लास्ट फेज़ आपकी प्रिपरेशन का। तो ये टाइम में बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि आपको सही रणनीति क्या फॉलो करनी है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को तो करना ही करना है, वो तो एकदम मस्ट है। और उसमें मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एयरफोर्स एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है। ये क्यों बताऊंगा, क्योंकि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने चेक किया था तो सबसे ज़्यादा डाउट इसी यही आप लोगों का था कि कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। सर हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, हमने इतना सिलेबस कवर कर रखा है तो हमें कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे डाउट्स थे मुझे पता है, जैसे कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट है ये हमारा तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो। लेकिन इस वीडियो में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप लोगों का डाउट आया था कि कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो मैं एक्चुअली में बताने वाला हूँ। एक फॉर्मूला दूंगा आपको कि ये फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना है कि कितने घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ हवा वाई बातें नहीं करूँगा, सिर्फ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके आधार पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि ये इतने घंटे आपको पढ़ने की सच में ज़रूरत है। मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि 10 घंटे पढ़ लो या फिर जितना मना है उतना पढ़ो। मैं पूरा आपको फैक्ट्स के साथ सारी चीज़ें समझा के बताऊँगा यहाँ पर। और उस वीडियो को कमेंट सेक्शन में चेक किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी बोल रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज़ जो आप लॉन्च करेंगे उसको थोड़ा पहले कीजिए, क्योंकि मैंने 1 मार्च का आपको डेट दिया था कि 1 मार्च को हम ऐसी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं जैसे आपने कभी लगाई भी नहीं होगी और ना ही उम्मीद की होगी। लेकिन क्योंकि आप में से बहुत लोग बोल रहे थे सर जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, तो उसी के चलते अब हम इसको थोड़ा सा प्रीपोन कर रहे हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि 27 फेब के अराउंड आपको टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी जाएगी। और उसको इन्फॉर्मेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कहाँ पे मिलेगी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन 27 फेब मैंने इसी महीने के 27 तारीख को आपको YouTube में और टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम में आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस करते रहना, अपने एग्जाम तक आपको ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और वहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दूसरा चैनल है जिस पर कि फिजिक्स की क्लासेस चल रही है उसके बारे में पूछ रहे थे, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि है कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बोला था कि मैं एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, फॉर्मूला बाद में दूंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। वो समझ लेंगे तो फॉर्मूले में कैसे आपको चीज़ों को रख के अपने आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करने हैं वो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए, 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसके पास है प्रिपरेशन के लिए 6 महीने और इसके पास है प्रिपरेशन के लिए 1 महीना। ठीक, इसको मैं बोलता हूँ कि तुम ये लड़का मुझसे पूछता है कि कितने घंटे सर पढ़ने की आवश्यकता है मुझे, तो मैं बोलता हूँ इसको 10 घंटे। तो आप बोलेंगे कि ये सर आप क्या बोल रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, 6 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 10 घंटे उसके लिए काफ़ी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 10 घंटे बहुत ज़्यादा है, और अगर वो थोड़ा कम भी पड़ेगा, नहीं अगर वो 5 घंटे भी 4 घंटे पढ़ता है रेगुलर बेसिस पे तो भी वो आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो ये आपकी बात सही है। और ये जो एक दूसरा स्टूडेंट है जो इसके पास 1 महीना बाकी है और कंसिडरिंग कि इसने भी कुछ नहीं पढ़ा, यानी कि इन दोनों स्टूडेंट ने इनका बिल्कुल सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो ये इसका भी स्टूडेंट जिसके पास 1 महीना बाकी है उसका सिलेबस भी कवर नहीं हुआ, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा 2 घंटे पढ़ो, आराम से तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो भी आप बोलेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हो, इसको तो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, 5 महीने। तो मैं आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर नहीं है कि 5 या 6 ये इतने घंटे पढ़ो तो निकल जाएगा, ये सबके लिए वैरी करता है। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, दूसरा फैक्टर, ये तो मैंने आपको पहला फैक्टर बताया जिसका मतलब ये है कि ये हमारा डिपेंड करेगा कि कितना टाइम हमारे पास और हमारे पास कवर करने के लिए कितना सिलेबस है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, फॉर्मूला नहीं है ये, बस पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ आवर्स इस पे डिपेंड करेंगे कि कितना टाइम है हमारे पास और कितना हमें सिलेबस कवर करना है। ठीक है, मान लीजिए वो 1 महीने वाला लड़का था, उसका पूरा सिलेबस हो सकता है कवर हो, ठीक है, उसको सिर्फ रिवाइज ही करना हो, और मैंने उसको 2 घंटे बोला तो वो 2 घंटे उसके लिए ठीक है, मतलब उसमें भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है अगर उसने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, तो पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा फैक्टर बताने वाला हूँ। अब आपने कुछ स्टूडेंट्स के बारे में सुना होगा, या फिर आप खुद ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें उतना रिज़ल्ट आता नहीं जिस हिसाब से वो पढ़ते हैं।
आपने सुना होगा। इसके भी कई कारण हैं, और जो यहाँ पे मैं कारण यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, वो ये कारण है कि कई सारे स्टूडेंट्स गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं। मान लेते हैं जैसे ये पॉइंट ए है और ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन, मान लेते हैं ये बेलगावी है, बेलगाम है, ठीक है, आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में। लेकिन आप यहाँ पे चले जा रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट है धीमे धीमे चल रहा है 10 की रफ्तार से और ये आप चल रहे हैं 20 की रफ्तार से, बहुत जोर बहुत जोर। तो आप चाहे जितना जिस रफ्तार से चलते रहिए, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो आप पॉइंट बी तक पहुँचेंगे ही नहीं। समझ पाए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि आप 10 घंटे पढ़ो, ठीक है, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 10 घंटे वो अगर वो गलत डायरेक्शन में देगा तब भी उसका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो दूसरा फैक्टर यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि फोकस्ड वे में तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी मैटर करता है। और ये इस पर मैंने कल भी जोर दिया था बहुत, ही फोकस्ड बहुत ज़रूरी है फोकस, और ये फोकस ही मेरा मेन फोकस रहता है। स्टूडेंट्स जो तैयारी बहुत करते हैं, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते क्योंकि फोकस नहीं रहते, उन्हीं पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को निकाल के वहाँ तक उनका सिलेक्शन दिलवाना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने आपको पता है टेस्ट सीरीज़ बिल्ड किया है, ताकि उनका फोकस रहे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं जानबूझ, मैंने मतलब ये समझ लीजिए मैं दो दो बार हर क्वेश्चन को रिव्यू करता हूँ, ताकि स्टूडेंट को वही कॉन्टेंट मिले जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, ठीक है। वो तो खैर बात की बात, जब आप लगाएंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि टाइम और सिलेबस पे डिपेंड करेगा, दूसरा फैक्टर डिपेंड करेगा कि आप कितना फोकस्ड वे में तैयारी कर रहे हैं, और तीसरा फैक्टर होता है कि ग्रैस्पिंग पावर, यानी कि ये ए स्टूडेंट है और ये बी स्टूडेंट है, ठीक है, दोनों ही फोकस्ड वे में तैयारी कर रहे हैं और दोनों के पास भी सेम टाइम है, यानी जो पहले हमारे दो फैक्टर्स हैं उनको हम सेम रखेंगे। तो ये तीसरा फैक्टर ये बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि किसी पॉइंट किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो ए टाइम लगाएगा वही बी टाइम लगाएगा। हो सकता क्या है, सबका ही अलग अलग होता है, और हो सकता है कि ए जो है वो ए 2 घंटे में किसी कॉन्सेप्ट को कवर कर लेता है और बी को लगते हैं 4 घंटे उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। तो अगर मैं बी से बोलूँ या फिर मैं बी से अगर मैं बोलूँ कि तुम सिर्फ 2 घंटे पढ़ लो, ए से ही बोलूँ 2 घंटे और बी से भी 2 घंटे, तो वो बी के लिए गलत होगा वो 2 घंटे, है कि नहीं, क्योंकि उसको डबल पावर लग रहा है, यानी कि उसको डबल मेहनत करने की ज़रूरत है, उसे डबल नंबर ऑफ आवर्स स्टडी में पुट करने की ज़रूरत है। तो ये तीसरा फैक्टर है जो कि ये बोल रहा है कि सबकी ग्रैस्पिंग पावर अलग अलग होती है, यानी कि सबको अलग अलग टाइम लगता है, तो इसी वजह से अलग अलग नंबर ऑफ आवर्स हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादा आपको पॉइंट्स फैक्टर्स नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये जो मेजर फैक्टर्स से 3 फैक्टर्स वो मैंने आपको बता दिए। आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ आर्स किसी से पूछना कितना गलत क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अभी मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, उससे आप बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है इसको (x)(y+z)/2, ऐसा कोई नहीं है, बस आप समझिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। आप पहले ये निकालिए कि आपके कितने टॉपिक्स हो गए हैं, सिलेबस सिंपल, आप उसके लिए सिलेबस रेफ़र कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप निकालिए और आप टिक करिए उस पर कि आपको कितने हो गए और आपको कितने करने हैं। मैं उदाहरण आपको यहाँ पे दूंगा, एक मान लेते हैं कि आपको करने हैं 4 टॉपिक्स, ठीक है, और आपको पता है कि मुझे 1 टॉपिक करने के लिए 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, 1 टॉपिक करने के मुझे 2 घंटे लगते हैं, यानी कि मुझे 8 घंटे लगाना पड़ेगा तब मेरा ये सिलेबस कवर होगा। ये मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 8 घंटे लगाना पड़ेगा तब मेरा सिलेबस कवर होगा। और मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, यानी कि मेरी औकात कितनी है, सिंपल भाषा में, दिल पे मत लेना, ये सिंपल भाषा में आपको बोल रहा हूँ कि कितना आपका औकात है, यानी कि आप कितना भी पढ़ते हो, बताओ कितना पढ़ते हो आप, 2 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो 2 घंटे आप पढ़ते हो तो आपके और आपके पास उस हिसाब से टोटल है 7 घंटे, यानी कि आपको 1 घंटा बढ़ा के आपको ऐसे टाइम डिवोट करना होगा ताकि वो कवर हो जाए। अब गौर से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। हम में से बहुत लोगों की आदत होती है कि हम एक टाइम टेबल बनाते हैं और वो टाइम टेबल पे हम स्टिक नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं रह पाते हैं, और ये आप खुद से पूछे कि आपने पिछली बार कब टाइम टेबल बनाया था और क्या आप उसको अभी फॉलो कर पा रहे हैं। पता है एक रीज़न क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। आप पता है क्या रीज़न क्या है आपका, आप क्यों नहीं स्टिक कर पाते हैं, क्योंकि आप एक दिन में ही सब कुछ करना चाहते हैं, आप एक दिन में ही जिम जाके बॉडी बनाना चाहते हैं, आप एक दिन में ही एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। अब अगर मैं किसी से बोलूं कि तुम योगा करो तो क्या करेगा, वो कपालभाति करता रहेगा, इतना कपालभाति करेगा कि उसकी आंतें इधर से उधर हो जाएंगी। तो वो नहीं करना है आपको, यानी कि हम में से बहुत लोगों का
जब हम टाइम टेबल बनाते हैं फिर ऐसा कुछ सुनते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो ऐसा लगता है कि अब मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। तो आपको खुद से कहना है, या फिर मैं खुद से नहीं कहूँगा बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपने दिमाग से कहना है कि अगर मैं अभी 4 घंटे पढ़ता हूँ तो अगर मेरा दिल कर भी रहा है 10 घंटे पढ़ने का, तो नहीं, मैं 5 घंटे का टाइम टेबल बनाऊंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, चाहे भले मेरा दिल कह रहा है कि नहीं और पढ़ो, सिर्फ 5 घंटे पढ़ो और रेस्ट लो, आराम करो, फिर अगले दिन उसको 15 मिनट से फिर 30 मिनट से बढ़ाओ, और उसको 15 मिनट्स को कंटिन्यू रखो। धीरे धीरे बढ़ाने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज़रूरत है। इस प्रिपरेशन में आपको फिर से रिपीट कर दूँ, कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि टाइम टेबल बनाने के लिए टाइम टेबल अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप, अभी मैंने आपको बताया था इतना आपके पास सिलेबस है और आपके पास इतने नंबर ऑफ़ आवर्स हैं। आप ये नंबर ऑफ़ आवर्स निकलेगा कैसे कि आपके पास कितने हैं, वैसे ही कि आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको घर में काम भी करना पड़ता है, मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो खेत में काम करते हैं, फिर कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके, तो वो उतना नहीं फुल डे नहीं डिवोट कर सकते हैं वो अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो उनके पास टाइम है लिमिटेड। तो आप निकालिए टॉपिक्स कौन से हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम कम है किसी भी कारण से हो सकता है, तो उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी बात मैंने कल वाले वीडियो में भी की थी और मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप लोगों को चाहिए तो आप बता देना। तो उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा है। सिंपल, आप जैसे कि आपके पास 80 घंटे हैं और आपको ये पता टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको निकालना है मंथली 15 डे, जिसको फॉर्टनाइट बोलते हैं इंग्लिश में, और वीकली बेसिस पे आप टारगेट्स रखिए। कैसे टारगेट रखेंगे कि मेरे पास 10 एग्जाम्पल के तौर पे 20 चैप्टर हैं, तो मुझे इस महीने 20 चैप्टर ख़त्म करने हैं, 15 दिन में मुझे 10 ख़त्म करने हैं, और 7 दिन में मुझे तकरीबन 5 चैप्टर ख़त्म करने हैं। ठीक है, 5 चैप्टर ख़त्म करने हैं, तो यानी कि 5 चैप्टर है मेरे पास और 7 दिन, 7 दिन यानी कि मैं अगर 5 घंटे पढ़ूंगा 35 घंटे, यानी कि 5 चैप्टर 35 घंटे, हर चैप्टर के लिए 7 घंटे। ठीक है, तो बस उसी हिसाब से आप एग्जीक्यूट करना चालू कर दीजिए, ये हो जाएगा तुरंत आपका कि इतने नंबर ऑफ़ आवर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि फॉर्मूला तो दिया ही नहीं ना, तो मैंने फैक्टर्स पता है और ये एक तरह का फॉर्मूला ही, आप इसको अप्लाई करके देखिए कि आपके पास इतने नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, इतना आपको कवर करना है, सामने रखिए दोनों को और बस लग जाइए, और फिर मत किसी से पूछिए कि कितने नंबर ऑफ़ आवर्स पुट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, एक आप अनोखे हैं, तो आपके लिए जो काम करेगा वो किसी और के लिए नहीं करेगा, और जो किसी और के लिए काम करेगा वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको खुद अपनी स्ट्रेंथ समझनी है कि कब आप बेस्ट फंक्शन करते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, और उसी हिसाब से टाइम टेबल और उसी हिसाब से नंबर ऑफ़ आवर्स आपको निकालना है। जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, अब इससे ज़्यादा बताने के लिए इस टॉपिक में कुछ नहीं है। अब आपका कुछ अगर डाउट है तो वो कमेंट में लिखिए, फिर किसी अन्य टॉपिक पे, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्टर हैं तो हमें वो चाहिए, तो वो आप कमेंट में करके बताइए। और जैसे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया, वो तो आपको लगाना ही लगाना है, बिल्कुल श्योर शॉट लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे। मैं आपको टेस्ट सीरीज बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ, जब पिछली बार मैंने आपको बोला था कि कोई भी आप प्रैक्टिस सेट की बुक खरीदिए, अब जब मैं खुद ला रहा हूँ ऑनलाइन तो फिर आपको वो तो लगा के जाना ही होगा। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि रिवीजन का साथ नहीं छोड़ना है। अभी जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया उसमें से, इस पे मैंने कल आपको अच्छे से बताया था रिवीजन पे, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो 2 मंथ स्ट्रैटेजी था कि अगर आप 6 दिन का टाइम टेबल बनाते तो 7वां दिन रिवीजन के लिए रखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग आप, मैंने उस पर फोकस किया उस वाले वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो लोग नंबर ऑफ आवर्स स्टडी के लिए पूछते रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ें, आपका दोस्त हो सकता है आपसे पूछता हो या फिर किसी से पूछता हो, तो उस तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि उसे भी पता चले कि कैसे नंबर ऑफ़ आवर्स निकाले जाते हैं स्टडी के लिए, सबका अलग अलग होता है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप जरूर दें, और आपका GS पूरा मैं कवर करवाऊंगा, ये मत सोचिएगा कि सर अब GS बीच में ही छोड़ दिए ना, अगर मैंने बोला है तो मैं करवाऊंगा। हमारे 3 मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, 3 ज्योग्राफी हो चुका है, 2 पॉलिटी हो चुका है, कल 3rd लेक्चर आएगा पॉलिटी का, और ऐसे 3-3 करके 2 राउंड और लगेंगे, और उसके बाद पूरा ख़त्म होकर MCQs फॉर्म में आपका पूरा सब कुछ करवाने वाला हूँ, और रीजनिंग भी, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा टाइम जा रहा है इस मेरा, और क्योंकि और भी आपको पता है मेरे पास फुल टाइम नहीं होता इसके लिए, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपका रीजनिंग भी जल्द से जल्द चालू हो जाए, एक बार टेस्ट सीरीज़ आपका लॉन्च हो गया तो फिर मैं उस पर पूरी तरह से फोकस करके आप काम कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।